नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार की और इनसे मिले जनता को बड़े तोहफे की। जी हां, केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के मुरादाबाद में 182 किलोमीटर राजमार्ग योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रहे। रिपोर्ट देखिए। गडकरी और मौर्य ने भरी चुनावी हुंकार, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुरादाबाद में नेशनल हाईवे समेत कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारी सरकार देश का सबसे बड़ा सड़क मार्ग बनाने जा रही है। इसके बाद दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर की दूरी महज 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। और आज मुझे खुशी है कि नवनिर्मित कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 280 करोड़ रुपए खर्चा करके मुरादाबाद शहर के जो गेट के लिए सीवेज प्रणाली और 58 एमएलडी एसटीपी का कार्य जो है उसका भी आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप जाइए, 50-60 साल के बाद ये पहला साल है कि गंगा का पानी बहुत ही शुद्ध और निर्मल। जो लोग स्नान करते हैं वो हमारी भारत सरकार को, मोदी जी को, मेरे विभाग को, मुझे, योगी जी को, केशव जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत आशीर्वाद देती है, क्योंकि इस बार पहली बार गंगा अविरल भी है, निर्मल भी है। और मैंने कहा कि अभी तक केवल 30% काम हमने पूरे किए, पर मैं आपको विश्वास से बताना चाहता हूं कि अगले मार्च तक 100% काम पूरा करेंगे। तो गंगा में जाकर आप वाराणसी तक चले जाओगे, नेपाल तक चले जाओगे, आगे से आप म्यांमार और बांग्लादेश तक चले जाओगे। इसको हम जलमार्ग के रूपांतरित करने का काम करेंगे, इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा और माल भी जाएगा और यहाँ पर्यटन का विकास भी होगा। यहाँ के जो पीतल की चीजें बनाई गई है इसके बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि आज पूरा देश शहीदों के साथ खड़ा है, हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने सड़कों का जाल फैलाने का काम किया है, साथ ही हमने प्रदेश से गुंडों को भगाने का काम भी किया है। इसी दौरान उन्होंने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई। केवल मुरादाबाद, संभल और अमरोहा में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में बह रही अपराधियों को जेल की हवा, जेल के अंदर भेजने का काम किया है, गुंडागर्दी पर नियंत्रण करने का काम किया है। विरोधी मुद्दा विहीन है, बिना दूल्हे की बारात लेकर के चल रहे हैं। एक रंग सुनता है कि मोदी रोको, मोदी जी को रोकने के लिए एक बता दें कि कार्यक्रम के सबसे पहले पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। नूर हसन, मुरादाबाद, सीएमएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिनों की यात्रा पर दक्षिण कोरिया पहुंच गए हैं। दक्षिण कोरिया में उनका स्वागत भारतीय समुदाय ने किया। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए, साथ ही होटल में हर हर महादेव का जय घोष भी गूंजा। बुधवार रात को रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया को मूल्यवान मित्र और मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों में विशेष सामरिक साझेदारी बताया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक दलों का एक वर्ग और यहां तक कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोग अपने खतरनाक बयानों के जरिए अफवाह और नफरत फैला रहे हैं।
साथ ही उन्होंने इसे शर्मनाक राजनीति करार दिया। ममता ने ट्वीट कर कहा, राजनीतिक दलों समूह का एक वर्ग संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के साथ खतरनाक बयानों के जरिए अफवाह और नफरत फैला रहे हैं। मैम ट्रिपल तलाक के ऑर्डिनेंस पास हो गए भाई, আমাকে তো সিস্টেমে জানতে হবে, কনস্টিটিউশনের পজিশন থেকে আমাদের এখানে দুজন জওয়ান মারা গিয়েছিলেন সিআরপিএফ এর, তাদের দিলে ক্যান রেকর্ড দিস ম্যাম, ক্যান রেকর্ড দিস, টু জওয়ানস ওয়ার কিলড ইন পুলওয়ামা ফ্রম আওয়ার স্টেট, বাবুল শাক্তা এন্ড সুদীপ বিশ্বাস, ফর দ্যাট ফ্যামিলি উই নো ইট ইজ নাথিং বাট ফ্রম আওয়ার স্টেট গভর্নমেন্ট টু এক্সপ্রেস আওয়ার সলিডারিটি উই হ্যাভ ডিসাইডেড টু গিভ 5 lakh রুপিস টু ইচ ফ্যামিলি। And if they want the service, we can give, provide one employment also for the family. Always, earlier also we have done this. So this is it. So, passport can I go in there? That is a minority organization. They used to meet me always. So, all the Christians community, along with their bishop and the district organizers, they have discussed about the minority problems and all. We have discussed because they are doing very good work for the education purpose or for the ওরা যেটা social work purpose, health purpose কাজ করে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ওদের কিছু problem আছে। না কোনো গুজবের কান দেবেন না, ওরা সবাইকে বলবো কোনো গুজবের কান দেবেন না, গুজব এড়িয়ে চলুন, কোনো প্ররোচনার কান দেবেন না। একদম হেট্রেড লোক, কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বিলংস করে সাম্প্রদায়িক পলিটিক্যাল পার্টি, ওদের নাম বলতেও লজ্জা হয়। যারা অনেক বড় বড় কথা বলছেন, সাংবাদিক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে সবাইকেই অ্যাটাক করছে, নিজেরা একমাত্র ইন্ডিয়ান আর আমরা সবাই পাকিস্তান, এরকম বলে একটা লড়ানোর চেষ্টা করছে। অল দ্য ইভেন জার্নালিস্ট, আই এম সরি টু সে, দেয়ার আর সো মেনি জার্নালিস্ট, আই হ্যাভ সিন দেয়ার টুইট অলসো, দে আর অলসো নট স্পিয়ার। I condemn this attitude, and not only that, we want India should be united. We are fighting for united India. We are not fighting for divide India. It is the BJP wants, we don't want. And how they are using, even the, they are spoiling the constitutional position. That is also not correct. How they are saying all this? Can they say like this? Maybe 2 days after you held your press conference, there had been 3 incidents where Kashmiri youths have been attacked either in Kolkata or in other parts. So Kolkata only one incident happened, but we have taken strong action. We gave, provided all the security, yes, and everything. And Kashmiris all said that they are happy to stay in Kolkata because it is a peaceful place. But what is the current tendency, ma'am? But today I have seen this epidemic. There is a meeting, the leftist and the BJP hooligans, they attacked the meeting. Just I came to the conclusion and I said, take stringent action. Ma'am, any word of assurance for all the Kashmiris who are here? Because they are... I am for united India. I said earlier also, terrorists, they have no caste, no creed, no religions. Then why you people arrested for Khalistani movement who have done this Sikh Danga and all this? Once you will condemn the Sikh Danga, and then you will say about the other Danga. Don't you think it will just compromise each other? And one cannot be substitute for other. If anybody kills, if anybody is responsible, take action against of them. But why the caste, why the community, why the creed? Why the state? Why the religions? All of our, all Indian people is our, of brothers and sisters. And we are proud of that. That is India. India's democratic setup. India always, unity in diversity is our origin. And whoever is creating this rumor, the spreading the, you know, the propaganda for their political purpose, we condemn this. This will not be successful. United India will fight for. It is not me. It is from Swami Vivekananda to Rabindranath Tagore to Abdul Kalam Azad to Baba Saheb Ambedkar to Bhagat Singh to Raja, this Rajendra Prasad, everybody said. I don't want to discuss. I am not bound to reply yes. Just hated political party for every matter. Wherever I will need to reply, I will reply. Ma'am, many cricket stadiums in India, they are removing Imran Khan's photo from the wall of cricket stadium. Like Bhamshala, they are doing this. The Imran Khan's pictures have been removed from many stadiums. Look, this is a controversial issue and all this. External affairs ministry never said anything that the government, whatever they do, would give support to them. That is our party policy. So for external affairs minister, we will not say any comments, whatever government will decide. Ma'am, police is free to take any action against the VHP, RSS, whoever is doing this,
to the Kashmiris, ma'am. Because the Kashmiri people I met in the morning, they're extremely scared. I have seen people who have bruises on their faces, and of course, I think, actually, see that when something happened, then we have to see it should not happen again. Why the other people is also doing the same thing? Don't you think it's a political biasness and all this? We should see that my country should remain peaceful. My country should remain united. All the caste, all the creed, all the religious, all the brothers and sisters, all we do it together. You have to understand India is a vast country. Tamil Nadu, they have their different character. Means they have their different languages, different dress they wear, different food they take. Bengal, we have a different culture. Now if you go to UP, Bihar, they have their own culture. If you go to Northeastern, they have their own culture. We respect each and everybody's culture. Punjab, they have their own culture. We respect each and everybody. Let us respect each and everybody. Whoever is terrorist, take action. I have no problem. लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन को लेकर आतुर हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें तवज्जो देने के लिए तैयार ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का दर्द एक बार फिर छलका। उन्होंने एक सभा में कहा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो जाए तो बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस को मना मना कर थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में आखिर है क्या। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। और मुझे अब नहीं समझ आ, ये नहीं समझ आता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस गई है वो सपा और बसपा को कमजोरी करने के लिए गई है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में लगी हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस सपा और बसपा को कमजोर करने के अंदर लगी हुई है। लेकिन हम लड़ेंगे और मेरा दिल कहता है कांग्रेस चाहे साथ आए ना आए, कांग्रेस ने मना कर दिया है, हम अकेले लड़ेंगे। जैसे बीजेपी को हमने 70 में से 67 सीट आई थी, 70 में से 3 सीट दी थी आप लोगों ने, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मुझे दिल्ली की जनता के ऊपर भरोसा है, मुझे आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों की तुष्टीकरण की नीति के चलते देश में आतंकवाद बढ़ा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओडिशा के पश्चिमी शहर भवानीपटना में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए की सरकार सभी पार्टियों के सहयोग से आतंकवाद की बुराई को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदित्यनाथ ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद केंद्र ने जो ठोस कदम उठाए उसने यह साबित कर दिया कि मोदी सरकार पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने और उसके नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी जो भारत के नागरिकों की सुरक्षा के साथ और भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, हर व्यक्ति जानता है इसका जवाब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की नरेंद्र मोदी सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। और उसका जवाब देने के लिए पिछले 4.5 वर्षों के दौरान जो कार्यक्रम चले हैं, आप सब जानते हैं, पहले कम कश्मीर के अंदर ये कहा जाता था कि जब आतंकवादी गोली चलाएं तब गोली चलाना, आतंकवाद की गोली हमारी गोली का इंतजार नहीं करती। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारी सरकार ने, केंद्र की हमारी सरकार ने इस बात की घोषणा की कि किसी निर्दोष नागरिक के का अहित नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भारत की सुरक्षा और भारत के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता और आतंकवादी गोली चलाते हैं उनका उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। और एक एक करके चुन चुन करके आतंकवादियों को जिस तरीके से हमारे बहादुर जवानों ने कश्मीर के अंदर शांति और सौहार्द की स्थापना में
बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी उसी से बौखलाए हुए हैं। लेकिन हम सबको इस बारे में तय करना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, किसी दल की नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। और पूरे देश की इस लड़ाई में इस देश के प्रत्येक नागरिक को मोदी जी के नेतृत्व में, इसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर के कार्य करने का संकल्प ले। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम लिए बगैर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त मानने वाले लोग आधुनिक भारत के जयचंद हैं। ईरानी ने कहा कि भारतीय होने के नाते मेरा सोचना है कि बीमार इरादों वाले प्रत्येक पाकिस्तानी को उचित सबक सिखाया जाना चाहिए। स्मृति ईरानी ने बिना नाम लिए कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त मानने वाले लोग आधुनिक भारत के जयचंद हैं। भारत की जनता ऐसे लोगों को समय आने पर जरूर सबक सिखाएगी। भारत के मन की बात एक राजनीतिक दल जब विकास का संकल्प लेकर लोकतंत्र में चुनावी उत्सव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिवार का सौभाग्य है कि भारत के मन की बात मोदी के साथ इस अभियान के अंतर्गत हम राष्ट्र भर में प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक जिले में प्रत्येक वर्ग समुदाय से समन्वय संवाद कर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में उनकी आशा अपेक्षा आकांक्षाएं अभिलाषाओं को एकत्रित कर संकल्प पत्र का अभिन्न अंग बनाने में प्रयासरत है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बनारस के सांसद ने, देश के प्रधान सेवक ने स्वयं घोषणा की कि पुलवामा की घटना के बाद भारत की सेना स्वतंत्र है कोई भी एक्शन लेने के लिए। कल भारतीय सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जब सेना के प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मात्र 100 घंटे में जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप को घाटी में समाप्त कर दिया गया है, यह भी आह्वान हुआ आर्मी के माध्यम से कि जिन लोगों की आतंक को फैलाने की मंशा है वो तत्काल ही सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर कर दें, ना करने पर भारत की सेना सक्षम है ऐसे लोगों को इंसाफ तक पहुंचाने के लिए। आपको ये भी ज्ञात होगा कि पाकिस्तान के पास मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था आर्थिक दृष्टि से, 90 की दशक से ये पाकिस्तान के पास सुविधा थी जिसे प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार समाप्त की गई। जो लोग भारत को आतंकित करने का प्रयास करते थे लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से सिक्योरिटी कवर प्राप्त कर रहे थे, उनका भी सिक्योरिटी कवर समाप्त किया गया। चूंकि मैं स्वयं भारत की कैबिनेट का एक हिस्सा हूं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये वो पाकिस्तान है जिसने 1000 कट्स की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जब वीडियो देखा हिंदुस्तान की मीडिया ने तो ये जाना कि वो 23 कट्स के बिना बोल भी नहीं सकते। मेरा तो इतना मानना है हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना के जौहर में, उनकी क्षमता में पूर्ण विश्वास है और इंसाफ तक ऐसे लोगों को पहुंचाया जाएगा जब जब हिंदुस्तान की सुरक्षा को ललकारा जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा अगले ही दिन कि जिन लोगों ने यह हत्याकांड किया, ये टेरर अटैक किया, उन्हें उनकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी डिप्लोमेटिक रूट से और आर्मी की तरफ से।
जो जो कदम उठाए जा रहे हैं, आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपनी ओर से उस पर विस्तृत जानकारी और ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी। मेरा इतना मानना है कि वो लोग जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बतलाते हैं, वो लोग जो ठहाके लगाते हैं और पाकिस्तान का दोष नहीं देखते, ऐसे आधुनिक भारत के जयचंदों के बारे में भारत की जनता क्या इमोशन रखती है, क्या भावना रखती है, ये भारत की जनता आपको स्वयं बता सकती है। और मैं क्योंकि खेल मंत्रालय से संबंधित नहीं हूँ, हिंदुस्तानी होने के नाते मात्र इतना कह सकती हूँ कि जब भारतीय सेना और सुरक्षा बल तैनात हैं कि एक एक पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में खराब मंशा के साथ आया उसे इंसाफ तक पहुँचाया जाए, जब हमारे शूरवीरों की पत्नियां इस वक्त खून के फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।